संस्थान परसपुर द्वारा संचालित महर्षि क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए वीडियो है एक्सरसाइज 1.2। ये वीडियो क्लास फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड तीनों क्लास के लिए है। ये जो क्वेश्चन है राउंडिंग नंबर का वीडियो हम मई और अप्रैल में जो क्लासेस चली हैं उसमें भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। पुनः एक बार फिर हम आपको राउंडिंग नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है राउंड ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। आपने क्वेश्चन दिया गया है बुक में, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ना देखते हुए राउंडिंग नंबर का पहले हम फार्मूला देख लें। अगर हमें फार्मूला आएगा तो चाहे जितना बड़ा राउंडिंग नंबर होगा हम उसे सॉल्व कर लेंगे। राउंडिंग नंबर में हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक डिजिट को हम दो पार्ट में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 1 से लेकर 4 तक डिजिट को लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। और सेकेंड पार्ट में हम 5 से लेकर 9 तक डिजिट को लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9। सिर्फ इतना फार्मूला आप याद रखेंगे तो राउंडिंग नंबर आप कभी नहीं भूलेंगे। अब क्वेश्चन आपको मिलता है नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में हमें चेंज करना है, नियरेस्ट 1000 में चेंज करना है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमको एक प्लेस घटा करके ही चेंज करना होता है। अगर वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर वैल्यू 5 से लेकर 9 तक है तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको नियरेस्ट 10 में चेंज करना है, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, निकटतम 10, निकटतम 10 तक अगर हमको चेंज करना है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, 582 हमें राउंडिंग नंबर नियरेस्ट 10 में चेंज करना है। तो आइए टेंस प्लेस को देखेंगे, वंस टेंस, तो जो हमको वैल्यू चेंज करना होता है उससे हम 1 प्लेस पहले ही उस वैल्यू को चेंज करते हैं। तो 8 के पहले क्या लिखा है, 2। अगर हमें टेंस प्लेस चेंज करना है मीन्स हमें 1 को ले जाकर के यहाँ पे सर्च करना है। अगर हमको 100 प्लेस पर पढ़ना है तो मीन्स हमको 10 प्लेस को चेंज करना है, 1 वैल्यू हम कम कर देते हैं। तो नियरेस्ट 10 में चेंज करना है तो 8 के पहले क्या लिखा है, 2, इसको आप उठाइए और यहाँ सर्च करिए। देखिए फर्स्ट पीरियड में है, फर्स्ट पार्ट में 2 है, तो आपसे कहते हैं अगर कोई भी डिजिट फर्स्ट पार्ट में होगा तो जो नंबर हमें चेंज करना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो वैल्यू को उठा करके हम ले जाएंगे सर्च करने वो मेरा 00 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20, 8 में कोई चेंजिंग नहीं और 5 वैसे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे 582 और यहाँ पे आया 580, वैल्यू कम हो गई ना, इसका मतलब ये राउंड अप हो गया, नहीं सॉरी राउंड डाउन हो गया, कम हो गया। अगर वैल्यू ज्यादा होती तो राउंड अप होता, अगर वैल्यू कम आएगी तो राउंड डाउन होगा। अब यहाँ पे मान लो हमें नियरेस्ट 100 में चेंज करना है, नियरेस्ट 100 में चेंज करना है यही वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 प्लेस पे जाएंगे, 1, 10, 100। 100 में चेंज करना मीन्स हमें 10 प्लेस को उठा करके और गिनती को सर्च करना है। याद रखिए 1 से लेकर 4 तक डिजिट है तो नो चेंजिंग, और 5 से लेकर 9 तक डिजिट है तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे। तो देखिए 100 से पहले 10, 8 है, 8 देखिए किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है या सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है,
वैल्यू सेकेंड पार्ट में है, तो जो वैल्यू हम चेंज करेंगे वो सारे जीरो जीरो हो जाएंगे। तो 2 0 8 0 और 5 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही डिजिट को हमें 1000 में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, 1000 में 1000 में चेंज करना, तो पहले हम इसको 1000 बनाएंगे। ऐसे ही आपको कोई ना कोई डिजिट मिलेगा, हमको मिल गया 1,10,000, 10,000 lakhs, 1,63,582, हमें किसमें चेंज करना, नियरेस्ट 1000 में। आइए देखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000 पे क्या आया 3, तो इसके राइट प्लेस पे क्या लिखा है 5 को उठाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट में वैल्यू है नो चेंजिंग, अगर सेकंड पार्ट में है तो हम जिस पार्ट को हमें चेंज करना है हम उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो देखेंगे 5 सेकंड पार्ट में है, तो इसके पहले जो वैल्यू होती है वो सारी जीरो हो जाती हैं। तो 0 0 0 5 सेकंड पार्ट में है, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 3 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये जो दो वैल्यू है इसको सेम ऐसे हम लिख देंगे। ये हुए 1000 में अगर हमें चेंज करना है। आइए अगर हमें 10000 में चेंज करना होता, किस में चेंज करना होता, 10000 में, तो हम कैसे करते, 1s, 10s, 100, 1000, 10000, 6 10000 पे आते, इसके राइट प्लेस पे क्या लिखा है 3, ये वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये सारी वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी, 0 0 0 0, 6 वैसे रहेगा 2 ऐसे। देखिए यहाँ पे था 2,63,582, यहाँ पे क्या हो गया 2,60,000, देखिए वैल्यू कम हो गई ना, वैल्यू कम हुई, यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंड डाउन हो रहा है। अब अगर इसे हमें लाख में चेंज करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, लाख में चेंज करना हो, नियरेस्ट लाख में, तो वैसे हम करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakhs, तो लाख के राइट प्लेस पे क्या लिखा है 6, 6 को उठाइए सर्च करिए, फर्स्ट पार्ट में है नो चेंजिंग, सेकंड पार्ट में है तो हमें 1 प्लस कर देना, 6 इज सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3, बाकी ये सारी वैल्यू 0 0 0 हो जाएगी। है समझ में, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ आपको इतना क्वेश्चन ही दिया गया है और उसमें दिया गया है आपको 10,000, lakhs, 10 lakhs, सारी वैल्यू को आपको उसमें चेंज करना है।